तो हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज के वीडियो में जो मैं एक चीज़ लाया हूँ वो है आपकी कार को प्रिपेयर करना फॉर योर समर ट्रिप। तो आपको पता ही है इंडिया में यार कितना हाई टेम्परेचर्स कितने जाते हैं ऊपर तक, तो आपको ज़रूरी है कि आपकी कार आपका साथ दे आपके लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स पे और आपको पूरा हेल्प करे। सो इस वीडियो को पूरा देखिए, तो मैं आपको आपकी सारी कुछ चीज़ें जो बताऊँगा, जो टिप्स बताऊँगा, जो पॉइंट्स बताऊँगा, उनको प्लीज़ ध्यान में रखिए, जिससे कि आपकी कार भी सबसे आपका बेस्ट परफॉर्म करे और आपका कार ब्रेक डाउन ना हो किसी हाईवे के बीच में। सो स्टे ट्यून्ड। स्टेप वन इज़ ऑल अबाउट योर टायर्स। देखिए टायर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, क्योंकि आपका कार और रोड के बीच में जो एक कनेक्शन की जो चीज़ है वो आपका टायर ही है। तो टायर के बारे में जो जो चीज़ जाननी है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, टायर का एयर प्रेशर कितना रखना है। देखिए आपका जो ड्राइविंग जो ड्राइवर साइड डोर होता है उसमें अंदर एक स्लिप लगी होती है, उसमें लिखा होता है कि पर टायर आपको कितना PS ऑफ प्रेशर एयर का रखना है। तो वो करेक्ट टायर प्रेशर मेंटेन रखना तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली, आपको ये देखना है कि आपका टायर ज़्यादा वेयर तो नहीं हो रखा। आपने देखना है एक बेसिकली कॉइन टेस्ट बोलते हैं, अगर चलो उसको भी रहने दीजिए, तो अगर सिंपल टर्म से बात करें तो आप ये देखिए कि कहीं पर कोई कट नहीं है, कहीं पर कोई डैमेज नहीं है टायर के। टायर एक स्मूथ प्रॉपर है, प्रॉपर ग्रूव्स बने हुए हैं टायर में, क्योंकि इनकेस कहीं पर अगर कोई ग्रूव नहीं कट रखा या कट्स आए हुए तो वो एक्सपैंड होने पे वो आपको दिक्कत दे सकते हैं। सो टायर के बारे में यही दो पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रखिए। स्टेप टू है आपका पूरा इंजन बे के अंदर। इंजन बे के अंदर जो कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपका कूलेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंजन की हीट को डिसिपेट करता है, उसका लेवल आप देख लीजिए। जनरली लिखा होता है लो और फुल, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि वो फुल पे है। फिर हो गया आपका विंडशील्ड वॉशर, ये तो आपको पता ही, आपका विंडशील्ड क्लीन करने के काम आता है, इसको भी देख लीजिएगा एक बार कि ये फुल रहे। फिर चेक कर लीजिए कि सारी बेल्ट्स और ये जितनी भी होजेस दिख रही हैं आपको, ये सारी कोई फटी तो नहीं हुई, कहीं कहीं किसी में कोई डैमेज तो नहीं है। एक बार अपना एयर कंडीशन ऑन कर दीजिए और यहाँ पर आके देखिए कि यहाँ पर एक पीछे रेडिएटर के पीछे एक फ़ैन होता है, मेक श्योर कि इट्स वर्किंग, क्योंकि अगर ये वर्क नहीं करेगा तो हीट डिसिपेट नहीं होगी, जिससे कि आपकी कार ओवरहीट हो जाएगी, स्पेशली समर्स में। और लास्ट थिंग जो मैं आपको बताऊंगा कि आप और चेक कर कीजिए वो है आपकी कार की बैटरी, क्योंकि अगर एक बैटरी धोखा देते तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी आप लोकल बैटरी स्टोर या कहीं पे भी किसी मैकेनिक के जाएंगे तो वो आपको मल्टीमीटर से 2 मिनट में चेक करके बता देंगे कि आपकी बैटरी ठीक है या नहीं। तो इंजन बे में एक बार नज़र मार लीजिए और देख लीजिए कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, कुछ फट तो नहीं रहा या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये होए तो उसको इमीजिएटली ठीक करवा लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। स्टेप थ्री जो है वो पूरा है आपके ट्रंक के अंदर, जिसमें आपको देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट एड किट है या नहीं, और है तो उसको, नहीं है तो उसको ज़रूर रख लीजिए। और आपका स्पेयर व्हील जो है उसको देख लीजिए कि उसकी कंडीशन सही है, उसमें जो एयर है वो फिल करवा दीजिए। आप देख लीजिए आपका जैक वगैरह पूरा है, और जितने भी टूल्स हैं जो अगर व्हील ओपनिंग के लिए है या फिर किसी और चीज़, मतलब और भी जितने भी टूल्स होते हैं, कि मेक श्योर के वो सारे आपकी गाड़ी में रखे हुए हैं, क्योंकि इनकेस अगर आपका जैसे आपने स्पेयर व्हील रखा हुआ है और उसमें इनकेस एयर नहीं हुई तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी कार में एक टायर इन्फ्लेटर रख लीजिए। आजकल बहुत सस्ते सस्ते टायर इन्फ्लेटर्स मिल जाते हैं और वो ऐसी सिचुएशन में आपका बहुत आपको हेल्प कर सकते हैं। मैंने आपको पूरे 3-4 जो मेन स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए कि आप किन को ध्यान में रख सकते हैं आप अपने समर ट्रिप पे जाने से पहले। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टेप्स आपके काम आए या और आपको किसी सिचुएशन में फंसने से बचाएं। देखिए इतनी समर होती है तो आपको ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है कि इन चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना, जिससे कि पहले आप कहीं फंसें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।